वसुदेव सुतं देवं कंसचाणू परमात्मा का स्वरूप है तो दुख रूप नहीं हो सकता, और दुख रूप है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। तो वास्तव में संसार दुख रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। इसका उत्तर यह है कि आप संसार से सुख चाहते हो तो ये दुख रूप है, दुख देगा ये कभी तड़ नहीं सकेगा। और आप केवल सेवा ही करना चाहते हैं तो परमात्मा का स्वरूप है, दुख को भी दे ले। ये बात संसार से सुख चाहने वाले ने तो दुख भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। और केवल संसार के साथ सुनना होता है सेवा का, संसार से सुख की, मान की, भोग की, आराम की, प्रशंसा की कोई इच्छा नहीं। और संसार आराम देने वाला है, कभी दुख नहीं देगा। तो दुख है केवल हमारे इच्छा होने से, इससे कुछ ले ले लेने की इच्छा होने को दुख पड़ा पड़ेगा पड़ेगा।
नारायणवाद क्या है? आज गांव में इसका देश बहुत बड़ा हुआ, इसकी क्या उपाय किया जाए? गांव में छोटे छोटे गांव में आपसी मन मुटाव झगड़ा जाती, मंदिर है तो कोई पूजा भी नहीं करता है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है छोटे छोटे गाँव में। तो आप जाओ तो अरे कहीं भी काम खुद के जाने को होता है। रास्ता ने कहा होता है आप मुए बिना स्वर्ग को जाए, खुद मरे बिना स्वर्ग जाएगा कौन? स्वर्ग तो मरेगा तो जाएगा। तो ऐसे भाइयों की आवश्यकता है कि सबकी सेवा करें। छोटे गांव में नहीं जल रहा है, बड़े गांव में कौन सी नहीं है भाई, सब जगह ही है। तो ये तो खास स्वार्थ की बात है, मूल बात है गांवों से कुछ ले ले, ये भाव होने से झगड़ा होगा, दुख होगा, संकट होगा। ये अगर झगड़ा मिटाना चाहते तो अपने यहाँ से मिटाना शुरू करो, संसार से लेना नहीं है, सेवा ही करना है। घर वालों से लेना नहीं है, केवल सेवा ही करना है, उसे झगड़ा बिकेगा। अगर आप खुद ऐसा भाव रखोगे तब आपके द्वारा दुनिया में स्वतः शांति प्रसारित होगी, और लेने की इच्छा अगर करोगे तो ठगाई होगी, इससे शांति नहीं होगी। इस वजह से ते प्राप्त मंदिमामेव सर्वभूत ही ते रता, पर हित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। पर पीड़ा सब नहीं अनुमानी, पर हित पर से धर्म नहीं भाई, सभी कह रहे गीता भी कहती सर्वभूति देगा। एक बड़ी विचित्र बात है कि संसार से लेने की इच्छा रखने पर संसार देगा, ये बात नहीं। संसार से इच्छा न रखने पर संसार देगा। अब ये बात कैसे समझा बताओ, खूब ध्यान देकर आप सुने हैं। संसार से आशा रखेंगे तो दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि भागवत ने कहा है आशा ही परमम दुखम। संसार से सुखी मानवी भोगी सरलता है, ये परम दुख है, परम दुख मामूली दुख नहीं। और संसार से इच्छा न रखने से नैराश्यम परमम सुख, संसार से जो इच्छा नहीं रहता है तो बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। फिर आनंद शांति भीतर से निकलती है, बाहर फैलती, दुनिया में शांति फैलने लगती है। जब तक संसार से वो चाहता है रुके फिर चाहता है, मान चाहता है, भोग चाहता है, आराम चाहता है, बड़ाई चाहता है, तब तक दुख पाएगा। अब जो इसमें कोई शंका हो आप पूछो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अभिमानी, पर हित बस के जिन के मन मानी, तिर का जन दुर्लभ अभिमानी, स्वार्थ मंत्र सकल जग मानी, सुखने उपयोग परमार्थ नाही। सुर नगमन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करें तो प्रीति, हेतु रहित जग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक एक भगवान, देव भगवान के प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ दुनिया का हित करने वाले हैं। तो दुनिया का हित करे, स्वार्थ न रखे, उसका दर्जा भगवान के समान है। मुनियों को क्यों ले लिया स्वार्थी ने, क्यों ले लिया, ले लिया
एक और दिया है, देखो राम जी वनवास में गए और सकल मुनि मुनियों को खा गए, मुनियों को खा गए और भगवान के भक्तों को नहीं खाया। रावण भी तभी तक राज करता है जब तक लात नहीं मारी चलते, अरे भगत के लात मारी ना। तो मुनि गार थे तपस्वी, वे इधर तपस्या करते हैं, मौन रखते हैं, मनोशील है, अपना साधन प्रबल रखते हैं, भी बन मुनि और भगवान है उनका भगत होता है, वो सेवक होता है, तुम तुम्हारे सेवक है, वो भगवान के चरणों के शरण देता है, तो उसको स्वार्थ नहीं करता। मुनि तपस्वी इत्यादि आदि होते हैं, मन में अपने मान बढ़ाए चाहते हैं, परलोक में कुछ चाहते हैं, साधना रहती है स्वास्थ्य मन को दिया, मनुष्यना भीतर नहीं है उसको दुख नहीं हो सकता। मेरे मन में आती आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते इन बातों पर, संसार से सुख चाहता है उसको दुख पाना पड़ेगा, और दुख नहीं चाहते हो तो संसार से सुख की चाहना छोड़ दो और सेवा करने के लिए लग जाओ, जितना आप कर सको। सेवा में कोई ज्यादा कमी नहीं है, अपने शक्ति के अनुसार सेवा करो, उनको बरोबर फल मिलेगा। थोड़ी सेवा करो, केवल सेवा के भाव मात्र से उद्धार हो जाएगा, ज्यादा दिन वाला ज्यादा दुख नहीं चाहते है तो दुख खो देते है, वो दो ही मिलेगा। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, ये एक वृत्ति आपकी बन जाए, आप निहाल हो जाएंगे, समझे नहीं। संपूर्ण दुनिया को सुख कैसे हो, ऐसा करने से दुनिया मात्र सुखी हो जाए ये तो होना नहीं है, परंतु आप दुखी होने ये बात बिल्कुल सच्ची है। और बड़ी भारी आवश्यकता है अभी इस बात, स्वार्थ स्वार्थ में बहुत पैदा हो गए, स्वार्थ की मात्रा बहुत अधिक पैदा हुई, थोड़ी थोड़ी बात में बस उसको लूट ले, उसको ले ले, उसको पीस ले, किसी तरह वो हमारे कब्जे में आ जाए तो बस खा जाए, ये भाव निराश हो रहा है। हाँ देखो बढ़िया हो, देखो बढ़िया हो, निहाला ले जाओ और चतुर बनने से कोई फायदा नहीं, देखो भले बनाओ कोई हर्ज नहीं है, अपना अच्छापन बनाना है ना, इसकी जरूरत नहीं, जरूर अपना उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, शांति प्रसन्नता आनंद के लिए, लोग भला के तो क्या फायदा होगा, बुरा के क्या नुकसान हो जाएगा। खूब गरीब जो छोटे लाख रहे हैं, जब अपने सुख चाहते हैं सुख देना क्यों नहीं शुरू कर दे, दुख नहीं चाहते है तो दुख खो देते है, वो दोगे वो ही मिलेगा। हमें आश्चर्य आता है कि केवल सुख पहुंचाने के लिए ही मनुष्य ही है, मनुष्य के सिवा पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, इनमें आपने देखा है कि ये दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने के मन में आती हो जाए इनकी, ये अवसर केवल मनुष्य में है। बंदरी के बच्चे को देखा है, जो बंदरी बच्चा मर जाए तो लिए फिरती है, सूख जाए तो लिए फिरती है, इतना वो बच्चे रहता है,
और जो रोटी मिलती है जो स्वयं खाती है, बच्चा थोड़ा सा अनुभव कैसे गोभी गई तो तीन सीटर का भाग गया तो मैंने आंखों से देखा क्यों खा लेगी बच्चा। तो स्वार्थ, ये स्वार्थ की मात्रा मात्र जगह है, केवल अवसर मनुष्य शरीर नहीं है। इसलिए आप स्वार्थ की मात्रा बढ़ाते हो तो स्वार्थ का त्याग कहाँ करोगे बताओ। स्वर्ग में जाओ तो स्वार्थ, नरक में जाओ तो स्वार्थ, दौरा से लाओ दूर में जाओ तो स्वार्थ, वृक्षों में जाओ तो स्वार्थ, पशुओं में पक्षियों में सब जगह स्वार्थ। इसका त्याग करके हित करने का मौका केवल मनुष्य शरीर में है। आप बताओ इतने बैठे कोई बताओ किसी के लिए हो मौका है। ऐसा मौका मिला है अब भी आप लाभ नहीं देते और दूसरों के हित करने से आपके नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है, एकदम ठीक बात। बहम तो यही है हम तुम लोग सेवा करें तो अमरी तेरे जाएंगे, हम खाने कर जाएंगे, हमारे नुकसान हो जाएगा, हमारे लाभ कैसे होगा। ये तो बहम है, हमारे लाभ कम नहीं होगा। एकदम सच्ची बात है, जो आदमी अपने पास कुछ नहीं रखता उसकी चिंता दूसरों के मन में आ जाती, और पास में रख करके और मुख पाते हैं और दूसरों को ले आती है। थोड़ा बेचारे कितनी प्रत्यक्ष बात है, हमें बहुत आश्चर्य आता है कि जैसे अभी समझो कि यहाँ अपने सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग की दृष्टि से बाहर से आदमी आ गए, सत्संग करने के लिए आते हैं, कितनी एक विलक्षण बात है। हम आश्रम जा रहे थे, ब्रह्मपुत्र के किनारे एक युवक मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हैं कि सत्संग करने के लिए, सत्संग के लिए प्रसार के लिए। आज तो भी आया कि सत्संग के लिए भी जाना होता है क्या, सत्संग भजन करने के लिए भी कोई मुसाफरी की जाती है, व्यापार के लिए धन कमाने के लिए तो आदमी मुसाफरी करता है, सत्संग भजन ध्यान के लिए मुसाफरी करता है, बड़ा भारी आते हैं, ये भी कोई मुसाफरी होती है क्या। अब जो सत्संग करने के लिए जाते हैं, पारमार्थिक बात जो सुनने के लिए जाते हैं, उनकी सेवा का मौका मिल गया तो ऐसा पात्र आपको कहाँ मिलेगा ढूंढने के लिए। थोड़ा सा विचार करो, जो सत्संग करने के लिए जाता है वो आपसे लेने की इच्छा नहीं रखता परंतु रहने की उसे गर्ज है। आप थोड़ा विचार किया है मेरी बात पर, जो सत्संग करके भजन ध्यान में जाते हैं आपसे सहायता नहीं लेंगे, लेना चाहेगा नहीं, पढ़ने के लिए जगह की जरूरत है, जो नहीं चाहता उसको भी चाह रहा है उसकी चाहना पूरी करके कितना सुनिए। थोड़ा सा आप विचार करें, और जो हमने चातुर्मास किया है देखा है, घरों में कहते हमारे घर में आ जाओ, कहते हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ, हमारे जाएंगे एक कमरे में जाएंगे, आप ही ले लो आओ जाना है जी। हाँ तो ऐसी बात होती है तो कुछ उनमें समझ है ना इस बात की, देखो एक बिल्कुल देहाती राजस्थान की कहावत है कि सरबल की खेती और बेड़ा पुल को दान, दान की जो समय पर दिया जाता है और
खेती जल्दी करो खेती हो जाती है और समय पर दिए जाए तो उद्दान हो जाता है। तो समय पर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, ढूंढने पर शुद्ध नंबर जाते नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा तो कारोबारी मिल जाएगा। ऐसी सेवा का मौका मिलेगा क्या? परंतु लोभ के कारण से आदमी समझ सकता ही नहीं, कहते मौका आया है बस अब ठीक है, अब मौका आया अब है, अब स्वार्थ अब मौका आया तो रहने के तो गलत है इनको, अब रुपया ले लो, अब मौका आया तीन तरह से बात ठीक है, ये बात है इनको की गलत है। धनी आदमी भी आपसे सहायता ले लेंगे प्रसन्न होकर के, तो धनी आदमी को मांगने वाला है क्या? आदमी सोचता नहीं, विचार नहीं करता, आज भी आता है दुखालय में संसार दुख रूप है, कब तक जब तक उसे सुख लेता है, सुख चाहता है दुख रूप होने से दुख देगा भयंकर दुख देगा, और इसे सुख नहीं चाहता है तब जग ईश्वर रूप है साक्षात परमात्मा, सेवा करो साक्षात परमात्मा, और बड़ा प्यार करेगा बात एकदम। राज ये पूछा सब कुछ परमात्मा का रूप है कि दुखालय है, दोनों है भाई, अपनी भावना के ऊपर आप अगर सुख पहुंचाना चाहते किसी को भी कभी भी, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, दीन दुख परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी इसका ठिकाना पता है? मैंने विचार किया गीता कहाँ बताती है ठिकाना, मैंने सोचा है ये तो गीता ने कहा नित्य यज्ञ प्रवेश सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रवेश, ब्रह्म सर्वगत है और तो नित्य यज्ञ में से मानो शास्त्र विहित कर्म किया जाए, लोगों उपकार के लिए काम किया जाए वहां भगवान मिलते हैं। एक शांति में और सुतवा नहीं दिए उपाय थे वो भी चार चरण के मृत्यु श्री पर आया तो परमात्म तत्व को जानने वाले हैं उनसे परमात्मा नहीं थे और ये सर्वे से सबके हृदय में परमात्मा मिलते हैं, तो हृदय में मिलते हैं महापुरुषों के पास मिलते हैं, तो वे ही दिन दुखियों के पास मिलते हैं, यही परमात्मा जो तब तो जीवन मुक्त महापुरुष उनके हृदय में मिलते हैं, फिर वे पास मिलते हैं, वे के वे परमात्मा दीन दुखी अपार ऐसा जो है जो उनकी दुखी आदमी की बात और उनमें केवल आपका भाव चाहिए, सभी बंद हो सबको सुख हो सबको आराम हो सबका कल्याण हो, जहां कोई दुखी देखो तो वो सुख ना कर दे रहा है तो बाकी मेरे 50 आप खड़े हो, और हो सकता है कि उन पहले जिनको दिया उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो, मेरा भी कई तो वो लेने वाले ऐसे होते हैं जो जाने नहीं देते और तो तरह की गालियां देते, सेवा भी मैं उसी तरह से दो या तीन चार आदमी भी कर सकता हूँ, बाकी आदमी से वो कहते हैं सेवा क्यों नहीं उनसे देश हो जाता है। मेरी बात भी तरह ध्यान दो, आफत आवे साधन करने में आध्यात्मिक उन्नति में धन आ जाता और आराम ज्यादा आ जाता है, टोली की टोली बन जाती है धर्मात्मा की, आपको जितने आपकी शक्ति उतना ही करो, चुपचाप करो बाबा, अगर सेवा करनी है आपको और सेवा का लाभ लेना है तो दूसरे को मालूम मत पड़ने दो उसके बाद क्यों पहुंच जाए है नहीं तो ये है अभी तो अल्लाह करो बैठे मौजूद।